नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन के बाद जब एसआई पॉलिसी नंबर जारी हो जाते हैं तो उसके बाद इन्हें पे मैनेजर पर कार्मिक की डिटेल्स में अपडेट करना पड़ता है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, पहले एसआई नंबर परंतु एचओडी से डेटा वेरिफिकेशन होने के बाद इन्हें अपडेट करने की प्रक्रिया अब बदल गई, यानी कार्मिकों के डेटा एचओडी से अप्रूव हो गए हैं और अब पे मैनेजर पर डायरेक्ट इन एसआई नंबर्स को अपडेट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो अब ये सब प्रक्रिया बदल गई है इनको अपडेट करने की। तो आइए देखते हैं क्या है यह नई प्रक्रिया जिसकी मदद से हम एसआई पॉलिसी नंबर अपडेट करेंगे किसी कार्मिक के। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एम्प्लॉय डिटेल्स एचओडी से वेरीफाई होने के बाद कार्मिक का एसआई नंबर किस तरह से अपडेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं। साथी, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अगर आप हमारे ये वाला वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज राज टीचर्स हेल्पलाइन को लाइक और फॉलो करना नहीं भूलें। साथियों, एक और रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद कार्मिक द्वारा एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन भरा जाता है। एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन के समय और एसआई पॉलिसी नंबर जारी होने से पहले वेतन बिल बनाने के लिए एसआई पॉलिसी नंबर के रूप में अस्थायी रूप से हम इस प्रकार से कुछ भी लिख देते हैं, क्योंकि अगर आप यह नहीं लिखेंगे फर्स्ट डिक्लेरेशन के बाद सैलरी बिल नहीं बन पाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं जनरली फर्स्ट डिडक्शन, फर्स्ट डिक्लेरेशन या फिर जो ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग 032020 करके लिख देते हैं। एसआई पॉलिसी नंबर जारी होने के बाद उन्हें अब पे मैनेजर पर कार्मिक की डिटेल्स में आकर अपडेट करना पड़ता है। लेकिन पे मैनेजर पर एम्प्लॉय लॉगिन से जब एसआई नंबर अपडेट करने की रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करते हैं तो वहां इस प्रक्रिया में एसआई नंबर पहले से ही दिखाई देते हैं जैसा आप यहां पर देख रहे हैं, परंतु डीडीओ लॉगिन में शो नहीं होते। यानी एम्प्लॉय के लॉगिन में तो एसआई नंबर शो होते हैं लेकिन डीडीओ के लॉगिन से जब आप एम्प्लॉय डिटेल्स चेक करते हैं तो वहां पर इस प्रकार की ही डिटेल्स आती है। तो अब एसआई पॉलिसी नंबर को अपडेट करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, इसके लिए हमें करना होगा एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड की मदद से पे मैनेजर पर लॉगिन। तो चलिए पे मैनेजर पर एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेते हैं। अपने एसआई नंबर अपडेट करवाने के लिए कार्मिक सबसे पहले अपने आईडी और पासवर्ड की मदद से पे मैनेजर पर लॉगिन कर लें। इसके बाद यहाँ एम्प्लॉय कॉर्नर पर आकर यहाँ मास्टर डेटा रिक्वेस्ट में अपडेट नंबर डिटेल्स रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आप यहां देखेंगे कि यहां पर एम्प्लॉय से रिलेटेड नंबर्स अपडेट करने के ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि एसआई नंबर ऑलरेडी शो हो रहे हैं लेकिन जब आप डीडीओ के पास चेक करेंगे तो डीडीओ के पास ये एसआई नंबर शो नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक काम करना होगा, यहाँ एडिट बटन पर आकर क्लिक करना होगा। जैसे आप एडिट बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ एम्प्लॉय से रिलेटेड नंबर अपडेट करने के लिए जो बॉक्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन एसआई पॉलिसी नंबर का जो बॉक्स है वो अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, उसमें आप एडिट नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एसआई नंबर भरे हुए आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार के तीन ऑप्शन और आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ओटीपी जनरेट करना होगा जो आपके पे मैनेजर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, वो ओटीपी आने के बाद इस बॉक्स में डालें। इसके बाद यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करें और एसआई नंबर अपडेट करने के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दें। यहाँ हम एसआई नंबर अपडेट करने के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं वो है एसआई बॉन्ड। तो चूज फाइल पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर में से वो फाइल सर्च कर लें और इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मैसेज आता है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर दें। तो साथियों, जैसे आपने रिक्वेस्ट को डीडीओ को फॉरवर्ड किया उसके बाद यहाँ पर उस रिक्वेस्ट की स्टेटस शो होने लगती है। यहाँ पर आपको वो सारी रिक्वेस्ट शो होगी जो आपने एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी नंबर अपडेट करने के लिए डीडीओ के पास फॉरवर्ड की है।
और यहाँ पर उसकी स्टेटस शो करेगी। जैसे DDU इसे आगे फॉरवर्ड करेगी यहाँ की स्टेटस भी बदल जाएगी, और अगर आपकी ये रिक्वेस्ट सॉल्व हो जाती है तो ये रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं DDO के लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से मैनेजर पर लॉगिन करते हैं और वहां से इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करते हैं। साथ ही हमने DDO आईडी और पासवर्ड की मदद से मैनेजर पर लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉय द्वारा भेजी गई SI नंबर अपडेट करने की रिक्वेस्ट को HOD को फॉरवर्ड करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ ऑथोराइजेशन में आना है और ऑथोराइजेशन में आकर एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन में आकर यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स अप्रूवल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अधीनस्थ एम्प्लॉयज द्वारा भेजी गई सभी रिक्वेस्ट शो होगी। फिलहाल हमारे DDO के पास केवल एक रिक्वेस्ट आई है जो अभी हमने फॉरवर्ड की थी। तो ये इसके लिए अब सबसे पहले आपको एक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे व्यू कर लेना है, यानी देख लेना है। यहाँ पर पूरी डिटेल आ रही है। यहाँ पर आपको ऊपर वाले पोर्शन में वो डिटेल्स दिखाएंगे जो ऑलरेडी अवेलेबल है, और सेकेंड वाले पोर्शन यानी नीचे वाले पोर्शन में आपको वो डिटेल्स दिखाएंगे जो एम्प्लॉय ने अपडेट के लिए भेजा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं SI पॉलिसी नंबर पहले ये आ रहे थे, लेकिन अब हमने जो रिक्वेस्ट भेजी उसके बाद में यहाँ पर SI नंबर ये हो गए हैं। अब इसे देखने के बाद क्लोज कर दें, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू पर क्लिक करें और ओपन करके देख लें। ओपन करके देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट लगता है या कोई प्रॉब्लम आती है या कोई मिस्टेक एम्प्लॉय ने की है तो आप यहाँ रीजन डालकर इसको रिजेक्ट कर दें और ये रिक्वेस्ट वापस एम्प्लॉय के पास चली जाएगी और वो वहाँ से इसे अपडेट कर पाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि इस डिटेल में कोई कमी नहीं है तो यहाँ आप अप्रूव बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप अप्रूव पर क्लिक करते हैं आपके सामने मैसेज आता है आर यू श्योर यू वांट टू अप्रूव, ओके पर क्लिक कर दें। जैसे आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे फाइनली डेटा अप्रूव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा और ये जो रिक्वेस्ट थी अब DDO से HOD के पास फॉरवर्ड हो जाती है। अब यहाँ हम एम्प्लॉय के पास आकर उस रिक्वेस्ट को एक बार फिर से चेक करते हैं। तो देखिए साथियों अब यहाँ पर उस रिक्वेस्ट की स्टेटस चेंज हो गई है पेंडिंग HOD लेवल। जैसे ये रिक्वेस्ट HOD से अप्रूव होगी एम्प्लॉय के SI नंबर DDO के पास अपडेट हो जाएंगे। तो ये थी प्रोसेस एम्प्लॉय के SI नंबर अपडेट करने की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।